दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सिडनी सिक्सर और मेलबर्न स्टार के बीच में होने वाले 15th मैच का। अब ये जो 15th मैच है, अगर दोनों टीमों का हालत देखोगे तो दोनों टीमों का हालत जो है वो बहुत ज़्यादा सही तो नहीं है, क्योंकि दोनों टीमें तीन तीन मैचेस खेली है, दो दो हारी है, और पॉइंट टेबल पे जो सबसे नीचे की थर्ड टीमें हैं उन दोनों में जो है ये अभी आपको देखने को मिलेगा। तो अब किस तरीके से जो है यहाँ से बदलाव हो सकता है दोनों टीमों में, क्या जो है ये दोनों टीमें लाइव मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, इनके जो है रिसेंट परफॉर्मेंस को हम लोग एनालिसिस करेंगे और फिर देखेंगे किस तरीके से जो है आने वाले मैचेज में दोनों टीमें जो है परफॉर्म कर सकती है। तो वीडियो को जो है पूरा लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सभी को जो है वो मैरी क्रिसमस। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि अभी तक जो है आप मुझसे नहीं जुड़े हो, चाहते हो कि विनर सेशन इन टीम में बहुत ही अच्छे तरीके से एक अच्छा सा प्रॉफिट उठा सको, तो ये जो व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पे आपको जो है विनर इन इंट्री सेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। साथ में आप टेलीग्राम पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर जो आपको इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो अब देखो जो ये जो है 15th मैच होने वाला है और ये आपको देखने मिलेगा मंडे को, यानी कि 26 दिसंबर को। टाइमिंग जो रहने वाला है इस दिन जो है दो मैचेज है। तो पहला मैच जो आपको देखने मिलेगा वो मिलेगा जो है आपको 12:35 से, 12:35 PM से, और दूसरा मैच जो है वो आपको देखने मिलेगा 3:45 PM से। तो ये जो है दोनों मैचों का जो है टाइमिंग रहने वाला है। अब बात करते हैं कहाँ पे होगा, तो ये आपको सिडनी क्रिकेट स्टेडियम सिडनी पे जो है देखने को मिलेगा, और इसके बारे में आप डिटेल में पिच रिपोर्ट देखना चाहते हो तो वो जो है वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है सिडनी वाला, आप वहाँ से जो है देख सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि सिडनी का जो क्रिकेट ग्राउंड है वो कैसा है। तो आप देखोगे तो ये जो है बैटिंग ग्राउंड पिच देखने को आपको मिलेगा, और लास्ट मैच जब सिडनी का यहाँ पर हुआ था तो देखोगे बारिश का जो है वो थोड़ा सा टाइम चल रहा था, बारिश के टाइम में जो है वो उतना अच्छा आप देखोगे तो पिच जो है एनालिसिस नहीं हो पाता है। लेकिन 14 ओवर का मैच में सिडनी सिक्सर जो है वो 137 रन जो है बनाया था पहले बैटिंग करते हुए। तो अब ये सीनरी हम लोग देखते हैं, तो आप देखोगे सिडनी सिक्सर की उस समय का जो परफॉर्मेंस था उसके हिसाब से आप उस पिच को जज नहीं कर सकते, क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट में क्या होता है ज़्यादा रन जो है वैसे भी जो है वो बनता है। तो पिच पे जो है बेनिफिट आप देखोगे तो स्पिनर को जो है मिलता है, इवन फास्ट बॉलर को जो है शुरुआत में थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है, लेकिन उसके बाद से पिच जो है वो बैटिंग पिच में जो है वो कन्वर्ट होता हुआ आपको नज़र आता हुआ है, यानी कि आपको जो है एक अच्छा सा जो है बैटिंग पिच की तरफ बिहेव करते हुए नजर आएगा। और आप देख भी सकते हो कि काफ़ी अच्छा सा जो है बैटिंग यहाँ पर हो सकता है अगर बाद में जो है यहाँ पर कोई भी एक अच्छे तरीके से बैटिंग किया जाए, क्योंकि लास्ट मैच में अगर आप देख लो जो यहाँ पे हुआ था तो आप देखोगे जॉस फिलिप 21 बॉल में 43 रन बनाया था। इसके अलावा देखोगे आसिफ अली को, तो आसिफ अली भी जो है 13 बॉल में 41 रन जो है बनाया था यहाँ पे। तो ये सीनरी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ के जो स्कोरिंग पैटर्न हो आप देखोगे कैसे थे। लास्ट डिसेंट जो 50 मैचेस उनमें आप देखोगे 22 जो है फर्स्ट पर जीता है, 27 सेकंड में जीता है, फर्स्ट पर एवरेज जो है 160 के आसपास, जो कि एक अच्छा खासा एवरेज स्कोर है। हाईएस्ट जो है यहाँ पे 213 है जो सिडनी सिक्सर का, और सिडनी सिक्सर का ये होम ग्राउंड है तो ऑफकोर्स सिडनी सिक्सर को जो है थोड़ा बहुत बेनिफिट यहाँ पर जरूर मिलता है। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कैसा जो है मौसम रहने वाला है। तो देखो बारिश के चांसेस जो है 20% के आसपास है, लेकिन हम लोग उम्मीद करेंगे कि बारिश जो है ना हो ताकि मैचेज जो है पूरा देखने को मिले और एक बहुत ही अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे मैचेज हो सके। इसके अलावा बात करते हैं तो टॉस के ज़्यादा चांसेस है कि सिक्सर जो है यहाँ पर टॉस जीतेगा, और अगर मौसम सही रहता है तो वो पहले टॉस जीत के जो है वो पहले बॉलिंग करने की कोशिश करेगा। टीम न्यूज़ की हम लोग बात कर लेते हैं तो आप देखोगे सिडनी सिक्सर में मोइस हेनरिस जो है ये लीड करने वाला है, और लास्ट दो मैचों में से जो है एक जो है वो हारा है और एक एक जो है जीते हैं, दो मैच जो है सिडनी सिक्सर हारा है। मेलबर्न स्टार की बात करते हैं एडम जंपा जो है ये लीड करने वाला है, और लास्ट के दो तीन मैच देखा जाए तो दो ये जो है वो हारे हैं और एक जो है वो जीते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं यहाँ प्लेइंग रन के कौन कौन से जो अच्छे फॉर्म में अभी, तो लास्ट मैचों को अगर देखा जाए, लास्ट मैचों को एनालिसिस किया जाए तो आप देखोगे लास्ट मैच के हिसाब से आपको जो है कर्टिस पीटरसन का फॉर्म अच्छा दिख रहा है, जॉस फिलिपे का दिख रहा है, इसके अलावा जेम्स विंस का फॉर्म भी जो है वो ठीक है, लेकिन वो वाला जो जेम्स विंस का परफॉर्मेंस देखने मिला वो नहीं मिला। लास्ट में बैटिंग में जो है हेडन केयर का भी जो परफॉर्मेंस देखने को मिला था, लेकिन हेडन केयर जो है वो प्रॉपर देखोगे तो बैट्समैन नहीं है। इसके अलावा अगर हम लोग बॉलिंग की बात करते हैं तो बॉलिंग में जो है वो थोड़ा सा दिक्कत जरूर है अभी यहाँ पे। तो देखोगे जैसे सीन अबॉट को विकेट तो मिल जाता है लेकिन इकोनॉमी रेट जो है वो 10 से ऊपर रहता है, हेडन केयर को विकेट मिल जाता है लेकिन इकोनॉमी रेट जो है वो 10 से ऊपर रहता है, लास्ट मैच में तो 12 था। तो इसके अलावा नवील रोहक को भी जो एक विकेट लास्ट मैच में मिला था लेकिन इकोनॉमी रेट जो है 12 से ऊपर था। तो ये जो है सीनरी जो रहने वाला है कि जहाँ पे इकोनॉमी रेट जो है वो इनका भी ज़्यादा रह रहा है, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस नहीं मिल रहे हैं। तो इसी के हिसाब से जो बेस्ट है उसमें जो आपको पिक करके चलना है। और अगर हम मेलबर्न स्टार की बात करते हैं तो मेलबर्न स्टार की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो लास्ट मैच मेलबर्न स्टार को हुआ था उसमें आप देखोगे तो पर्थ जो है वो काफ़ी अच्छे रन से जीत गया था, और वो जो रन था काफ़ी अच्छा जो आप देखोगे तो पर्थ के खिलाफ जो है जब मेलबर्न स्टार खेला था तो पर्थ ने तो वहाँ पे 229 रन जो है बनाया था, यानी इनकी एक बहुत ही बड़ा टारगेट जो है वो दिया था, और ये डिनोट करता है कि जो बॉलर्स हैं मेलबर्न स्टार में वो जो है वो अच्छे फॉर्म में नहीं है, चाहे कोई भी बॉलर जो है वो ले लो। लास्ट मैच में आप देखोगे ना तो लुइक
वुड को, लुईस वुड को जो है वो टोटल 5 विकेट मिला था। तो आप कहोगे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है, लेकिन 5 विकेट में 4 ओवर में 50 रन जो है वो पड़े भी थे, यानी कि ऑलमोस्ट 13 के इकोनॉमी रेट जो है वो पड़ा था। तो इस हिसाब से जो बॉलिंग अगर कोई करता है तो विकेट मिल भी जाए तो वैसे क्या होता है कि रन जो है बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो अगर टीम के हिसाब से देखोगे तो ये जो है वो अच्छा नहीं है, लेकिन अगर विकेट मिल रहा है तो पंटर के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, कि आप पिक करके चल सकते हो। बैटिंग की बात करते हैं मेलबर्न स्टार में, तो मेलबर्न स्टार का जो फॉर्म है वो भी बहुत ही ख़राब चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो ना जो क्लार्की का फॉर्म अच्छा चल रहा है, ना ही जो है वो अब देखोगे तो टॉम रोजर्स का फॉर्म अच्छा चल रहा है, और जोई बर्न्स का फॉर्म अगर बात की जाए यहाँ पे तो वो भी जो है उतना कोई जो है खास अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं मार्कस स्टोइनिस का फॉर्म बहुत ही घटिया जो है अभी देखने को मिल रहा है। निक नागिन का फॉर्म जो है वो अच्छा है, तो आप पिक करके चल सकते हो। और इसके अलावा लास्ट मैच में जो है वो बिवेन वेबस्टर का जो है फॉर्म देखने को मिला, जो कि 43 रन जो है उन्होंने बनाया था। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो अगर हिट एंड कार्टराइट का देखा जाए तो ये भी जो है परफॉर्मेंस इनका भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये सिनेरियो जो है आपको यहाँ पे अभी देखने को मिलेगा, तो आप इनके तरफ से जो है जो जो फॉर्म में है आप उसको पिक करके चलो, जो पिछले 1-2 मैचों में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रिसेंट परफॉर्मेंस का, तो देखोगे रिसेंट परफॉर्मेंस में तो सिडनी सिक्सर जो है रिसेंट 3 मैचों में 2 हारा है 1 जीता है, और स्टार का भी जो है सेम सिनेरियो है, लेकिन ये लास्ट मैच हार के आ रहा है और सिडनी सिक्सर जो है लास्ट मैच जीत के आ रहा है। और हेड टू हेड की बात करते हैं तो दोनों टीमों में देखो 18 मैचेज में जो है वो सिक्सर जो है वो 11 जीता है और स्टार जो है वो अब कुछ 7 जो मैचेज है वो जीता है। डेविलियन टीम का भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो, चाहते हो कि विनर सेशन इन टीम में बहुत इसी तरीके से प्रॉफिट उठा सको, और इसके बाद जैसे आप देखोगे जब जनवरी आएगा ना, जनवरी में आप देखोगे कि मैचेस का जो है भरमार है। भरमार कैसे, BPL स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद से देखोगे जो साउथ अफ्रीका का T20 स्टार्ट होने वाला है वो स्टार्ट हो रहा है, इसके अलावा देखोगे जो दुबई का T20 है वो स्टार्ट होने वाला है। तो बहुत सारे T20 चलते रहेंगे, आपको एक टाइम पे चार चार जो है वो लीग दिखाई देगा, और ये चारों लीग में जो है वो काम होगा, फुल टाइम काम होगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप प्रॉफिट जो है उठा सकते हो। अब चलो हम ड्रीम इलेवन टीम की बात करते हैं और उसके बाद जो है करते हैं वीडियो को एंड। सो बात करते हैं हम ड्रीम इलेवन टीम के, तो आपको देखने में लगेगा सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किस किस को जो है आपको पिक करके चलना है। तो सबसे पहले विकेट कीपर की बात करते हैं, तो विकेट कीपर में जोस जोस जो क्लार्की और फिलिपे का जो है फॉर्म अभी ठीक देखने को मिला है पिछले 1-2 मैचों में, तो आप ले सकते हो। बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में जो आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कर्टिस पीटरसन का जो है फॉर्म अच्छा देखने को मिला है, इसके अलावा जो है आपको जॉर्डन सिल का जो है परफॉर्मेंस ठीक है, और निक नार्किन का जो है 1-2 मैचों में परफॉर्मेंस ठीक देखने को मिला है। ऑलराउंडर की बात करते हैं तो ऑलराउंडर में देखोगे सीन अबॉर्ड का परफॉर्मेंस अच्छा है, वेबस्टर का है, और हेडन केयर का बैटिंग में थोड़ा बहुत मिल जा रहा है परफॉर्मेंस, तो आप जरूर लेकर चल सकते हो। विकेट भी जो है वो मिल रहा है, लेकिन इकोनॉमी रेट ज़्यादा रह रहा है। बॉलिंग की बात करते हैं तो बॉलिंग में जंपा का फॉर्म जो है अभी उतना अच्छा तो नहीं देखने को मिल रहा है, लाइक विकेट 1-2 मिल जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि इकोनॉमी रेट जो है वो बहुत ही हाई रह रहा है। और ये सबके साथ है लुईस वुड का, जिसमें मैंने बताया कि लास्ट मैच में 5 विकेट मिला था, तो बहुत सारे लोग पिक करके जाएंगे, आपको भी जो है वो पिक करके चलना है। और इसके अलावा अपन देख लेते हैं यहाँ पे, तो इसके अलावा जो है आप यहाँ पे पिक कर सकते हो एक बॉलर, आप नेथन गुंडरलाइल को या फिर ट्रेंट बोल्ट को, तो उस सिनेरियो में जो है आप यहाँ पे जो है इनको आपको बेनिफिट मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन जो है किसको पिक करके चलना है यहाँ पे, तो कैप्टन के तौर पे जो है अभी आप यहाँ पे जो क्लार्की का फॉर्म जो है वो ठीक है, और बैटिंग में जब देखोगे तो निक नार्किन का फॉर्म ठीक है, या फिर हेडन केयर का जिस तरह का परफॉर्मेंस मिल जा रहा है ना, तो आप लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ से आप देख सकते हो टीम पर भी, और इस टीम के साथ आप कोई भी लीग खेल सकते हो। उसके लिए आपको और भी टीमें चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप को जो नंबर है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।